हेलो फ्रेंड्स, साईं रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन रेसिपी। ये कर्नाटक की स्पेशल रेसिपी है और इसको कर्नाटक में ब्रेकफास्ट में डेली बनाया जाता है। बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं किचन में और बनाते हैं हम साउथ इंडियन। इसके लिए मैंने एक गाजर ली है जिसको लंबे स्लाइस में पतले काटा हुआ है, और इसी तरीके से मैंने एक शिमला मिर्च भी काटी है। आधा कटोरी आधा कप मटर ली है, 14 कड़ी पत्ता ली है और एक हरी मिर्च जिसको चॉप्ड कर लिया है। गोभी भी मैंने थोड़ी मीडियम साइज़ में काटा है और 4 से 5 बीन्स लिए हैं, फ्रेंच बीन्स, उनको बारीक चॉप्ड कर लिया है। 10 से 12 काजू लिए हैं, 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल ली है। आप उड़द की दाल की जगह मूंग की दाल भी यूज कर सकते हैं या उड़द की दाल। और 3 चम्मच मैंने मूँगफली दाना लिया है। तो हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। गोभी को हम थोड़ी सा तल लेंगे, जिससे गोभी तलने से अच्छा इसका क्रिस्पीपन आ जाता है राइस में और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और गोभी थोड़ी हार्ड भी है अभी, तो पकने में भी टाइम लगता है, तो हम तल लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छा इसका चावल में फ्लेवर आ जाता है। इंडियन में हम इसको लेमन राइस भी कहते हैं और साउथ इंडियन में इसको तरण चटना कहते हैं। तो काजू भी हम इसी के साथ तल लेंगे, किस निकाल लेंगे और वापस इसी कढ़ाई में हम 1/2 छोटी चम्मच सरसों डालेंगे। आप सरसों की जगह राई भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ और जो दाल ली थी हमने इसे भी हम डाल देंगे। और इनको अच्छे से हमें 2 मिनट तक भूनना है, जिससे दाल अच्छी क्रिस्पी बिल्कुल भून जाती है। और अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और हरी मिर्च जो चॉप की थी, और इसी के साथ हम मूँगफली दाना इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने 3 बड़ी चम्मच लिए हैं। और इन सबको हमें 2 मिनट तक भूनना है। जैसे मूँगफली दाना इस तरीके से तल जाएगा, तो अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रेंच बीन्स डाली है और अब हम एक साथ शिमला मिर्च और गाजर को भी ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमने मटर ली है उसे भी डाल देंगे। तो मटर 6 से पक जाती है। और अब इसी के साथ हमने जो काजू तले हुए थे और गोभी, तो हम इन्हें भी डाल देंगे। और 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। नमक से सब्जियाँ अच्छे से जल्दी पक जाती हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सबको हमें ढक के पका देंगे। तो इसमें थोड़ी सी मैं मसाले ऐड करूँगी। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सभी मसालों को हमें मिक्स कर देना है और फिर हम इन्हें ढक के 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खट्टे मीठे का, क्योंकि ये साउथ इंडियन डिश है, तो साउथ इंडियन में खट्टे मीठे का टेस्ट अच्छा रहता है। और सब्जियाँ भी हमारी पक चुकी हैं, तो अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने पहले ही बना लिए थे। चावलों को हमें नॉर्मली जैसे हमने चावल लेते हैं, कोई बासमती चावल नहीं लेना है, हमें छोटे साइज का चावल लेना है, जैसे सोना मंसूरियन या मोंगरा जो आप यूज करते हो, चावल हमें छोटे साइज का ही लेना है। और हम चावल जैसे कुकर में बनाते हैं प्लेन, वैसे ही बनाने हैं। तो चावल हमने ऐड कर दिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस 2 चम्मच। चावल मैंने 2 कप चावल लिए थे जिनको बनाया था। अगर आप 5 से 6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 कप चावल पर्याप्त रहता है। और चावल देखिए सब्जी में कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच से नींबू का रस डाल रही हूँ और हमें नींबू के रस को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए ढक के फिर से पकाएंगे। तो हम ढक देंगे और ये देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और देखिए कितना अच्छा टेस्टी एक एक चावल बिल्कुल हमारा बन के तैयार हुआ है। और जितनी अच्छी ये डिश देखने में लग रही है उतनी ही टेस्टी है। तो हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा लेमन राइस या त्रिट चटना तैयार हो चुका है। तो अगर आपने ये पहले बनाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट फिर मिलूँगी मैं बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। साई रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे खाना बनाइए। थैंक यू।